में जहां 1 और 13 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसके ठीक पहले प्रदेश में बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ आम लोगों में आक्रोश और नाराजगी है। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे को गरमाने में लगी हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आह्वान पर बिजली पर बढ़ी हुई दरों के खिलाफ कांग्रेस यूपी पार्टी के सभी शहरों और बाजारों में आज लालटेन यात्रा और हस्ताक्षर अभियान चला रही है। इसी क्रम में आज बाराबंकी में भी कई जगह कांग्रेस पार्टी ने लालटेन यात्रा और हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जैतपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव प्रत्याशी तनुज पुनिया ने कहा कि सरकार ने पहले महंगे पेट्रोल डीजल का बोझ डाला और अब महंगी बिजली मार से जनता की कमर तोड़ना चाहती है। प्रदेश की भाजपा सरकार आम जनता की जेब काटने में लगी है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और आगे भी ऐसे प्रदर्शन जारी रहेंगे। किसका विरोध किया जा रहा है, कौन सी सरकार है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार बिजली भी दे नहीं रही है। दूर दराज इलाकों में तो नाम मात्र की बिजली आती है, शहरों में भी बेतहाशा कटौती हो रही है और दूसरी तरफ दाम बढ़ा दिए 15% 20% और 7.5 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से अगर 500 यूनिट से ज़्यादा खर्च अगर किया है तो 750 रुपया प्रति यूनिट ये इसके रेट लगाए हैं, तो ये आम आदमी कैसे इसको देगा? और पहले जो BPL में 100 यूनिट पर 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से देते थे, अब उसको घटा के 50 कर दिया। 50 में कौन कभी भी, इसका मतलब है कि BPL का एक भी किसी लाभार्थी को फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो राज्य सरकार की ये हठधर्मी है, उसके तानाशाही है, गरीबों के हितों की उपेक्षा है, उसी के विरोध में ये लालटेन जुलूस हम निकाल रहे हैं कि अब आगे आने वाले समय में बिजली तो लेने की क्षमता हम में रहेगी नहीं, तो पुराने ज़माने में लौटेंगे और लालटेन की रोशनी से ही गुजारा करना पड़ेगा। ये संकेत और संदेश हमने दिया है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश भर में इस तरह कार्यक्रम आयोजित किए हैं और बाराबंकी में अनेक शहरों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आज सत्रिक से होके आए हैं, अभी जैतपुर में ये कार्यक्रम चल रहा है और कल के बाराबंकी जिला मुख्यालय पे है, जहांगीराबाद में और अनेक जगह ये कार्यक्रम इस तरह से चल रहा है। अर्थव्यवस्था को लेकर एकदम चरमराई हुई है, उस पर बिजली की मार है। देखिए, अर्थव्यवस्था उद्योगों को ही बढ़ा है, रेट बढ़ा है, वो वैसे ही चरमरा रहे हैं। उद्योग किसी भी स्थिति में आगे बढ़ने लायक नहीं है, उसकी ग्रोथ रेट गिर रही है, माइनस में जा रही है। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कारें हैं, मोटरसाइकिल है, उसकी बिक्री नहीं हो रही है कहीं भी, और उन उद्योगों के ऊपर भारी बोझ बिजली का उत्तर प्रदेश सरकार डाल रही है। तो जो अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, उसको गड्ढे में और डालने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया।